तो हाँ जी, राम राम, जय माता दी। कैसे हो आज आप सभी? नीचे इतना कीचड़ है ना कि पूछो मत। तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो मैं अभी जा रही हूँ पीपल घाट। वहाँ पे हमारे दूध की मीटिंग है, मतलब जो हमने दूध लगाया ना जिस संस्था को काम देनू, तो वहाँ पे मीटिंग है, क्लस्टर की मीटिंग होती है। तो उसमें मैं जा रही हूँ और दो आगे चली गई हैं, अपने क्या बोलते हैं उनको, एक सचिव चली गई आगे, एक और लेडीज़ है। तो मैं प्रधान अभी सबसे लास्ट में जा रही हूँ, गाड़ी नहीं लेके जा रही हूँ, क्योंकि मैं आपको बीच बीच में रोड की हालत भी बताती चलूँगी। बहुत कंडीशन ख़राब है, काफ़ी गाड़ियाँ जो है रुक गई हैं, मतलब इस रोड से नहीं जा सकती, बाकी पक्के रोडों से तो जाती है ना। तो इसमें अभी क्या हुआ कि थोड़े दिन पहले उन्होंने मिट्टी बिछाई थी, है ना। तो मिट्टी बिछाने के बाद जो है अब ये ज़्यादा फिसलन वाला रोड हो गया है, तो गाड़ी नहीं, रिस्क नहीं, पैदल चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। और सबसे बड़ी बात, शानू ने छाता भी गुम कर दिया है, उसको स्कूल के लिए दिया मैंने एक दिन, तो उसने वो गुम कर दिया है। अब दूसरा छत्ता है बड़े वाला, तो और बारिश का पूरा मौसम बना हुआ। अभी दिखाती हूँ बैक कैमरे से, तो चल देखो अभी रोड की हालत भी मैं आपको दिखाती रहूँगी, आप लोग देखते रहना। पैर तक रखने को जगह नहीं है। मैंने डाला है अपना प्लाजो सूट, ऊपर से सदरी, क्योंकि थोड़ी बहुत ठंड भी हो जाती है ना हमारे ऐसे मौसम में। अब तो काफी दिन हो गए। ये देखो, ये देख सकते हैं आप, तो यहाँ पे गाड़ियाँ कई, मतलब 2-3 दिन हो गए फंस रही हैं, बड़ी मुश्किल से छुड़ा रहे हैं। हालांकि दूध की गाड़ियाँ भी बड़ी मुश्किल से जाती हैं यहाँ से, तो मैंने कोई रिस्क नहीं लिया। अभी थोड़ी थोड़ी धूप लग रही है वैसे कि है, लेकिन बस ये भी चली जाएंगी। आज भी काफी बारिश बताई है, तो नीचे से तो हम काफी हो जाएंगी ना औरतें, पर अभी जो है मैं यहाँ से अकेली हूँ, ठीक है। और ये वैसे ठीक था रोड, बारिश में इसको कोई फर्क नहीं पड़ता था, पर क्या हो गया जब से ना ये मिट्टी बिछाई, एक दिन वो तो अच्छे के लिए बिछाई थी ना, गड्ढे बहुत थे इसमें, तो अगर कम बारिश होती तो फिर ये ठीक रहनी थी, लेकिन बारिश बहुत ज्यादा हो गई और फिर ये मिट्टी हट गई। तो ये देखिए, यहाँ पे भी हमारे गांव वालों का ही है। और एक बार मैं पूरा लुक दिखा देती हूँ आप लोगों को, ये देखो। हाँ, मैंने सेल्फी स्टिक भी ले रखी है आज। आए जो बे, चल गया दिया। हाँ जी, बरखे तो अति करती थी, तो यही है साथ में सूट दिखा रही थी आपको, इतने को मुझे आवाज लगा दी। चलो टुकड़े बाकी गए थे, तो अभी हम लोग पहुंच चुके ये रोड आया ऊपर से, हम ना शॉर्टकट आया यहाँ से। अभी और भी आने वाले हैं, सब आ जाएंगे, फिर दिखाती हूँ मैं सबको आपको। और हवा कैसी लग चुकी है, और ये मक्की है यहाँ पे तो पक चुके, पता है हमारा और यहाँ का क्लाइमेट हार्डली 1 किलोमीटर का फर्क भी नहीं है, एक ही गांव है पर फिर भी काफी फर्क है। यहाँ पे थोड़ा सा गर्मी आ जाती है और हमारे वहाँ पे जो ठंड ठंड हो गई है, मतलब काफी ठंड हो गई है। तो ये भी हमारे गांव का एक हिस्सा है, छोटा सा गांव, अब तो काफी बड़ा बन चुका है। ये देखो रोड के हालात, इतना सूखी है जो बिछी है जागे थी। हाँ तो ठीक गई, तो अभी दो और है पीछे जो कि आ रही है। भगवान करे बारिश ना हो, क्योंकि मेरे पास छत्ता नहीं है, टांगे छत्ता भी ना भाई। ये विजय जानो भी इतना क्या करना रजिस्टर ने। बहुत ही प्यारा सा व्यू आता है यहाँ से, ये देखो। ये ना इनको करियाड़े बोलते हैं, और सर्दियों के टाइम में ये यहाँ हमारे होती है, पर हमारे कम होती है। मैं पत्ता दिखा दे, अच्छा कचनार बोलते हैं हिंदी में, जिसकी वो साग भी होता है, अचार भी होता है, कचनार की कली है ना इसमें लगती है वो, ये कचनार का पेड़ है। तो अगर ऐसे जब हम पैदल रास्तों से जाते हैं ना, गाड़ी में जाते हैं तो हम कुछ भी शूट नहीं कर पाते, जब हम पैदल जाते हैं तो काफी कुछ आपको देखने को भी मिल जाता है। नहीं
तो बस यहाँ पे हम वेट करेंगे, दो और आ रही हैं लेडीज पीछे से, फिर आपसे बात करूंगी। ठीक है रुमा, हाय रिशु, बस हुई गा खूब राज। तो ये देखिए अभी हम लोग आ चुके हैं जिस जिसने हमने जाना था। हाय हाय मित्रानी, ये मीना है, बाबू ये तो कजो, इनको भी आप जानते हैं। जय माता दी, जय माता दी। और बोल लोगो चढ़े काम जानू थी जो हम अपनी भाषा बोली थी जो तो अभी हम लोग जा रहे हैं। और देखो मैं किसी को जबरदस्ती ना अपनी वीडियो में लेती, मेरा शुरू से ही ये कुछ उल रहा। मैं पहले बोल देती हूँ कि बाद में बातें नहीं बनानी, नहीं आपको अच्छा लगता ना साइड में हो जाना, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, क्योंकि मैं शुरू से अकेली आई और अब मेरे को किसी का ये नहीं है कि कोई आ ही ले। हाँ अगर खुशी हो कि कोई अच्छे मुस्कुराते हुए चेहरे से कोई आना पसंद करता है, बहुत बहुत स्वागत है उसका। मैं सही हूँ या गलत मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और भाई दरानिया ने गलाई गाना बड़ा प्यारा गला गाऊ में भाई, आज तो चमकुरिया तो सब गला तो बड़ी मारी चमकुरी गाओ, एक तरह से गीत गाया थे। तो चलो मिलते हैं आपसे अभी नीचे जाके, अब हम गप्पे मारते हुए निकलेंगे। हाँ हाँ थोड़ा सा रास्ते में पहुंच चुके हैं जय माता दी। तो अभी सोच रहे हम कि आपको ना चले तो है पैदल, हमारा भी मनोरंजन हो जाएगा, आप लोगों का भी हो जाएगा। आपको कुछ अपना ट्रेडिशनल सुना देते हैं यहाँ का हिमाचल में, जैसे बहुत सारे भजन होते हैं, घोड़ियाँ होती हैं, सुहाग होते हैं, सुहाग के गीत लड़की की शादी को गाए जाते हैं, लड़के की शादी को घोड़ियाँ गाई जाती है। तो अभी सोच ही रहते हैं आगे ना पानी के बड़े बड़े गड्ढे हैं और मैं आप लोगों से बातें करते करते कहीं अग्रीन में अच्छा उन लोग जाना है। अभी हम शॉर्टकट उतर रहे हैं ना, शॉर्टकट रास्तों से, तो ऐसी होती है हम पहाड़ियों की लाइफ। और जो नीचे से प्लेन इलाकों से लोग आते हैं ना, वो दो कदम चल के थक जाते हैं। लेकिन ये जो पीछे चली है ना हमारे साथ भाभी, इनके साथ ना सबसे ज़्यादा दूध है इनका हमारे गांव में, और इतना मेहनत करते हैं ना ये। देखो जी मेहनत करने वालों की तो तारीफ होनी भी चाहिए और जलना नहीं चाहिए, रिस्क करनी चाहिए। लोग जलते हैं ना, इसका इतना क्यों हो गया भाई, मेहनत भी उस चीज के पीछे उतनी है। तो इनका 28-30 लीटर दूध जाता है हमारे गांव में, मतलब सबसे ज्यादा है। और क्या बोलते हैं, दो ही है काम करने वाले और तीन चार गाय इनके पास, तीन है शायद, है भाभी तीन ही है। हाँ तो ये होता है, तो कमाने की शर्म नहीं होती, काम करना चाहिए डट के। बोलते कमाओ एक कुली की तरह और खाओ एक राजा की तरह। और जब कहीं जाते हैं देखो तैयार श्यार होके कितने अच्छे लग रहे हैं, कोई बोल नहीं सकता, हम सब की गांव के ये हम पशु भी पालते हैं नहीं, तो पशु का भी ये नहीं बोलते कि आप अच्छा खाओ मत, अच्छा पहनो मत या अच्छे दिखो मत, नहीं। अब पशु बेचारे घर में, उनको घास पात करके आए हैं, तो अब चले तो आराम से मजे में। ये पीछे रह के गाना दे तो चल दे चलो। आयो गैया चिट्ठिया जी, आयो गैया चिट्ठिया जी, सितारे सितंबरा जो जाना, सितारे सितंबरा जो जाना बेटा मेरे आजी, जाना बेटा मेरे आजी, सितारे सितंबरा जो जाना।
बहुत अच्छे। मैं आपको इसका मतलब समझाती हूँ। ये बहुत गाने गाते हैं, अभी हम चल रहे हैं ना, तो पता क्या होता है, एकदम से माइंड एकाग्र नहीं होता कि हमने क्या गाना है, पहले तो सोचना पड़ता है। और नीचे रास्ता, अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो रास्ता इतना गंदा हो रखा है ना, तो कैसा गाया आपने कमेंट करके हमें जरूर बताना। आप लोगों के लिए इन्होंने खुद बोला कि हमने गाना गाना है और वीडियो क्यों नहीं ऑन करते। अच्छा, तो इसका मतलब ये था ना, मैं आपको इसका मतलब समझा देती हूँ। इसका मतलब ये था कि जब सीता का स्वयंवर होता है तो उस टाइम लड़का बोलता है कि मैंने जाना है वहाँ पे, तो वो बोलते हैं कि आप कैसे जाएंगे वहाँ पे, तो उससे जो है मतलब वो बहुत बड़ा धनुष है और तू नहीं उसको उठा पाएगा। तो श्री राम जी बोलते हैं, तो बेटा बोलता है कि मैं उठा दूंगा, मैं 4-5 टुकड़े करूंगा और मैं सीता को घर पे ले आऊंगा दुल्हन बना के। तो ये इसका मतलब होता है। तो अभी हम लोग चलते हैं और ऑलरेडी काफ़ी लेट हो चुके हैं, मेरे ख्याल से मीटिंग शुरू हो गई है और हम रास्ते से मस्ती मारते हुए जा रहे हैं। ठीक है, तो चलो चलते हैं। जय माता दी, हम मिलेंगे आपको नीचे पिपू घाट जाके। जो कि है बसा हुआ सिम्मू गांव में, माता जाजपा देवी रहा है। जय हो माता रानी, सबको बहुत सारा आशीर्वाद दे, सबको खुशियां दे माता रानी, सबके घरों में खुशियां लेके आए। हाँ, जो हमारे गांव में ना गौड़ी के पास मंदिर है, एक मंदिर है ऊपर एक साइड को, वो भी माँ जालपा का ही है और ये भी माँ जालपा का ही है। हाँ, ये चपली हमें पता कौन लें, ऑफिसल दिया है ना कुड़े रेखा। मेरा छाता सानू के करी आया दाड़ ले। तो इसी के साथ जो है, देखिए आपको थोड़ा सा और रास्ता दिखा देती हूँ। और फिर मैंने पीछे पकड़ा दिया फोन अपनी दरानी को, मैंने कहा मेरा पूरा लुक आता ही नहीं भाई, कभी भी नहीं, मेरे कपड़े भी नहीं दिखते, क्योंकि मैं बनाती हूँ वीडियो तो हमेशा जो फोटोग्राफर होता है वो कैमरे के पीछे रहता है, मेरे को भी कैमरे के सामने आना है ना। और तो ये देखिए, अभी हम लोग बस पहुंचने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि हम ऐसे ऐसी मीटिंग में जा रहे थे, तो कैसा लगा आप लोगों को आज का वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और हंसते गाते ये सफ़र तय हो गया, मज़ा आ गया। और थोड़ा पैदल भी चलना चाहिए, हम लोग गाड़ी में जाते तो हम भूल चुके हैं चलना भी, सभी की बात कर रही हूँ मैं, बिना बस के कोई कदम नहीं रखता या गाड़ी के। तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी। अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, भगवान आप सबको बहुत सारी खुशियाँ दे। और अभी हम जो पहुँच चुके हैं सिम्मू गाँव में, पहुँच चुके हैं, यहाँ से काफ़ी नीचे जाना है अभी हमें, तब पहुँचेंगे हम जहाँ पर हम जा रहे हैं। तो जय माता दी, राम राम।